के जितने इश्यूज होते हैं, जैसे कि लड़की को घर से बाहर फेंक दिया तो वो कहाँ चली जाए, कहाँ जाके मदद ले सकती है, उसको कौन कौन से उसके अधिकार है, जैसे कि पैसे का अधिकार, क्या वो पैसा मांग सकती है अपने, किससे उसे पैसा मांगना चाहिए, किससे किसे अप्रोच करना चाहिए जहाँ से वो पैसे पैसे लेके अपनी एक एक अच्छी इज्जत से एक जिंदगी जी सके, उसे रेजिडेंशियल राइट, मतलब जहाँ वो रह रही थी, जहाँ से उसको निकाल के बाहर फेंक दिया गया, उसके पास पूरा राइट होता है कि वो वापस जाए, कोर्ट उसको वापस भेजती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि घरेलू प्रताड़ना केसेस में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। जैसे हमारा 30,000 है, यहाँ के जितने कोर्ट्स है, जो एवन कोर्ट है, वहाँ पर महिला कोर्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स रखे गए हैं, जहाँ पर आप या वो या जिसके साथ कोई घटना घटी हुई है वो या कोई भी आदमी जाके अप्रोच कर सकता है एवन को कि आप हमारे इस बात को सुने। अगर आपको घर से बाहर निकाल के फेंक दिया गया है तो शेल्टर होम है जहाँ पर इमीडिएटली आपको शिफ्ट किया जा सकता है, ताकि आपको रहने की कोई सुविधा का कोई वो ना हो, परेशानी ना हो। अगर आपको कोई मेडिकल एड चाहिए, आपको कोई चोटे है, मारपीट के बाहर किया गया है, तो पुलिस इसमें हमेशा 24 घंटे सतर्क रहती है, क्योंकि पुलिस जैसा सबसे पहले हम पुलिस को अप्रोच करते हैं कि पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस वालों के कहते हैं कि हमारी कंप्लेंट है, बाहर जाई हुई है, एमएलसी कटी है, तो एमएलसी कटी है तो फिर FIR भी कटेगी, ठीक है। पर उस टाइम पे आपके पास ना घर जाने को है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार के लोग भी नहीं रखने को तैयार होते हैं, क्योंकि आप कहाँ जाए, उस केस में आपके पास शेल्टर होम है, NGOs के साथ भी आप कॉन्टेक्ट करके शेल्टर होम जा सकते हैं। यहाँ पर आजकल आपने कई जगह भी देखा होगा एक सखी वन स्टॉप सेंटर भी बनते जा रहे हैं जो निर्भया फंड से बने थे, वहाँ पर ये कंसेप्ट आया है कि आप एक ही रूफ के अंदर, एक ही छत के अंदर आपको रहने का, खाने का, 3-4 दिन आप आराम से रह सकते हैं। कई होते हैं जिन्हें बाहर कर दिया जाता है, वो किसी और स्टेट से किसी गाड़ी में बैठ के आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ से आए हैं, उनको वापस